जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रांच का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन काफी फेमस कंपनी है जो छोटे निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं उनके बीच में, और पेनी स्टॉक की जब बात होती है तो उसमें महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम जरूर आता है। कामकाज कंपनी का जो है काफी बढ़िया है। काम के बिहाफ पे कंपनी के शेयर प्राइस में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा, और यही एक वजह है कि जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये शेयर्स होता है। इन्वेस्टर्स के पास मतलब जो छोटे निवेशक हैं उनके पास। यहाँ पे यदि मैं बताऊँ तो कंपनी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, टेक्सटाइल के सेक्टर में काम काज करती है, लेकिन टेक्सटाइल के अलावा भी ये अन्य काम भी करती है। तो ऐसे बहुत छोटे कंपनियों में बात करूँ तो बहुत कम कंपनी है जो टेक्सटाइल के जिनका मेन बिजनेस है और उसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस करती है, क्योंकि टेक्सटाइल ही एक ऐसा बिजनेस है जो काफी ऊपर कंपनी को लेकर जा सकता है। उसके शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है सिर्फ टेक्सटाइल की बदौलत। लेकिन ये कंपनी टेक्सटाइल में तो काम करती ही है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में भी कंपनी जुड़ हुई है, यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करती हुई नजर आती है, फाइनेंस के सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे तो एक टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो काफी बढ़िया है। मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि हमारी जो देश की गवर्नमेंट है खुद चाहती है कि टेक्सटाइल के सेक्टर में भारत को नंबर 1 बनाया जाए, इसलिए इस सेक्टर में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है। और उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी फाइनेंस का सेक्टर अब नहीं काफी समय से फाइनेंस के सेक्टर में, तो फाइनेंस की जो कंपनियां होती हैं उनका भी प्रचलन देखेंगे काफी तेजी से बढ़ा है। फाइनेंस का ओवरऑल यदि मार्केट देखेंगे तो भारत में तो ये ओवरऑल कह सकते हैं ग्रोइंग मार्केट है, और लंबी अवधि में इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के शेयर प्राइस में तेजी आएगा। तो दोनों ही सेक्टर में जो अच्छे सेक्टर है उसमें कंपनी कामकाज करती हुई नजर आती है। तो यदि आपके पास महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर है तो आपको इसमें निवेश करने की सलाह दी जाएगी। आपको धैर्य रखना होगा इसमें पैसा बनाने के लिए, क्योंकि कंपनी का काम काफी बढ़िया है। जैसे आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में दिखेगी, यानी कि रेड फ्लैग इस स्टॉक में लगा हुआ है। और जब भी किसी स्टॉक में रेड फ्लैग लगा हुआ होता है, रेड फ्लैग मतलब यह तो कंपनी ईएसएम जेएसएम कैटेगरी में होती है, और खासकर स्टेज 2 स्टेज 3 में होती है, तो इसमें दिक्कत होता है क्योंकि ये ना सेबी का स्तर में लांस होता है। सेबी को इस स्टॉक में डाउट है कि कहीं कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से सेबी क्या करते हैं ऐसे स्टॉक्स को अपने सर्विस लांस में लेकर उसमें जांच पड़ताल करती है। तो उसमें उस समय उस स्टॉक में रेड फ्लैग लग गया था। इसमें देखेंगे तो अभी ईएसएम स्टेज 2 में ये स्टॉक लगा हुआ है, इसका मतलब एनहांस सर्विस लांस में जाए। अब इसमें कुछ समय तक स्टॉक रहेगा, जांच पड़ताल होगा, तो ये ना एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में, जिस वजह से कंपनियों का शेयर प्राइस देखेंगे कुछ समय के लिए सस्टेन हो जाता है, ना तो ऊपर जाता है ना नीचे आता है, बीच में एक प्रकार से कह सकते हैं घूम रहता है। हालांकि नीचे आ सकता है लेकिन ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं जब तक कि प्राइस इस रेड फ्लैग में रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ईएसएम स्टेज 2 में है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट ही लगते हुए दिखाई देगा। जहां भी देखेंगे तो लोअर सर्किट आपको दिखेगा, अपर सर्किट इसमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये स्टॉक रेड फ्लैग में है। और यही यदि कोई भी रेड फ्लैग नहीं होता ना तो निश्चित यहाँ पे लोअर सर्किट जगह अपर सर्किट लिखा होता है, यानी कि ये स्टॉक अपर सर्किट में होता। और ये अब लोअर सर्किट कब तक चलेगा देखिए, ईएसएम स्टेज 2 ईएसएम स्टेज से स्टॉक बाहर आएगा शेयर में तेजी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपनी काफी बढ़िया है, कामकाज काफी बढ़िया है। और कोई भी स्टॉक जब बीएससी में जेएसएम कैटेगरी में आता है तो ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक रहता है, एक से एक बहुत हो गया तो 2 मंथ तक रहता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है। यदि बात करें हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल का तो तकरीबन 42 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कि छोटी कंपनी है। हालांकि इसको बड़े होने में समय नहीं लगेगी, एक बार कंपनी का जो ईएसएम सिस्टम है उससे बाहर आने दीजिए, उसके बाद शेयर में ऑटोमेटिक तेजी आने लगेगी, क्योंकि फंडामेंटल उतना बुरा नहीं है। मार्केट इसका पीई देखेंगे तो 197 तकरीबन 200 के आसपास पीई चल रहा है जिस स्टॉक का, आप समझ सकते हैं कि इसके कितने चाहने वाले हैं इस स्टॉक का। जबकि इस स्टॉक का डिमांड काफी होता है मार्केट में तो पीई काफी महंगा हो जाता है। हालांकि इतना महंगा वैल्यूएशन पर बाई करना सही नहीं रहेगा, चार्ट पर लेवल देखेंगे वहां पे हम लोग निकालेंगे एनालिसिस करके कहाँ पे बाई कर सकते हैं नए जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी अभी काफी बढ़िया, माइनस में नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी होते हैं ना माइनस में होते हैं, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, तो यह अभी ठीक है। अब सीधे चलते हैं चार्ट पर, यहाँ पे देखिए एक साल के चार्ट पर आपको दिखेगा कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में, क्यों डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें सेबी के सर्विस लांस मेजर में है, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और दूसरा कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं अभी अच्छे नहीं आए, मैं आगे दिखाऊंगा। तो 2-3 नेगेटिव न्यूज भी है जिसकी वजह से प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में आ रहा है। कहां तक डाउन आ सकता है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 10 साल का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। 10 साल चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये ना जो लेवल आप देख रहे हैं 50 पैसा का लेवल, ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है 50 पैसे के लेवल तक, और यहां से आकर फिर स्टॉक बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक करेगा तो इजिली सबसे पहले इस रेंज में आ जाएगा जहां पर इसने समय बिताया। इस रेंज में आकर समय बिताने के बाद प्राइस ऊपर निकलेगा तो आपको इस सारे लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाएगा। तो आपको धैर्य रखना है, स्टॉक का प्राइस बहुत आएगा तो 50 पैसा तक आ सकते हैं, उसके नीचे आने के चांसेस नहीं।
ही रहेंगे। क्वार्टर रिजल्ट में आप जब देखते हैं तो आप पाएंगे कि कंपनी के जो सेल्स हुए ना दिस मार्च क्वार्टर जो जो रिजल्ट है उसमें कम हुआ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले नंबर कम आए हैं, जिस वजह से एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसके फंडामेंटल पर। और यह भी एक दिक्कत है कि इसका शेयर प्राइस आपको नीचे जाते हुए दिखे। देखिए प्रॉफिट सिर्फ 3 लाख के आसपास हुआ, जहां पहले 43 लाख 49 लाख का प्रॉफिट होता था, अभी लास्ट क्वार्टर में 3 लाख के आसपास हुआ है। तो क्वार्टर्स के नंबर तो हर 3-3 माह पे आते रहते हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए, और उसके पहले पहले तक जो अभी ESM स्टेज में है ये स्टॉक उससे बाहर आ जाएगा, तो निश्चित ही शेयर प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के यदि आप निवेशक है तो आपको घबराना नहीं है, आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं, सही समय पर रेजिंग भी कर सकते हैं, और मन में कोई सवाल है कोई डाउट है तो मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, शुक्रिया।